हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे 11.2 क्वेश्चन नंबर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर ए आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी आज एक बार फिर से रिपीट कराएंगे। जिन बच्चों को कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट नहीं लर्न है वो एक बार फिर से लर्न कर लेंगे। ओके, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी प्रकार से 1 gram is equal to 1/1000 kg। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करते 1000 का। इसी प्रकार से यदि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। ग्राम क्या है, जो जी है यानी ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म जी में, जबकि किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ओके, 25000 ग्राम लिखा है, इसे कन्वर्ट करना केजी में, वेरी इजी। 1000 से डिवाइड कीजिए बच्चों, 25000 / 1000 = 25 kg। इसी प्रकार से 86 kg 94 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम। बच्चों इसमें भी आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 86 kg हैं, 1 kg = 1000 ग्राम, इसलिए 86 × 1000 + 94 ग्राम, क्योंकि अब तो दोनों यूनिट याद रहे बच्चों कि ग्राम से ग्राम ग्राम में प्लस होते हैं, प्लस या माइनस जो भी होना है, ठीक है। किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करते हैं, इसी प्रकार से यदि मीटर मीटर से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट जब सेम होगी तभी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। ओके, अच्छा तो अब आप क्या करेंगे, 86000 + 94 तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कितने ग्राम हो जाएंगे, 86094 ग्राम। क्या लिखेंगे, 86094 ग्राम। 37 kg इज इक्वल टू 37000 ग्राम, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, 1000 का मल्टीप्लाई। 93476, ठीक है, इसको आप केजी में करेंगे तो सबसे पहले 1000 से डिवाइड कीजिए। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वेटेंट होगा, ठीक है, जो क्वेटेंट है वो किलोग्राम, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, वो है ग्राम में बदल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 93 kg यानी किलोग्राम एंड 476 ग्राम। अब बच्चों इसी प्रकार से जैसे आपने FIB किए, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी में आपको करना है, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। केजी दिए गए हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो अब यहाँ पर 93 kg को आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए सभी बच्चे, तो हो जाएंगे 93000। इसी प्रकार से 47 kg 540 ग्राम, तो क्या करना है, 47000 + 540 ग्राम, तो कितना आंसर हो जाएगा, 47540 ग्राम। इसी प्रकार से 36 kg है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 36 में 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, यस, क्या हो जाएगा, 36000 + 82 ग्राम, ठीक है। जब आप 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो केजी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्राम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 36082 ग्राम। अब आप लिखेंगे कैसे, 36082 ग्राम, 80 kg को आप लिख सकते हैं 80000 ग्राम, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। बच्चों यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट दिए ग्राम, और इन्हें आप क्या करेंगे, किलोग्राम एंड ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 3000 ग्राम, क्या दिए, 3000 ग्राम, तो आप क्या करेंगे इसको, यस, 1000 से डिवाइड कीजिए। 1000 से जब आपने डिवाइड किया
तो कितना आ गया? 3। तो कितने किलोग्राम हो गए? 3 किलोग्राम। याद रखिएगा बच्चों, जो क्वेशेंट होगा वो किलोग्राम में, और जो रिमाइंडर होगा उसे आप ग्राम में करेंगे, ठीक। 4732 ग्राम। इन्हें भी 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इसमें क्वेशेंट आएंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा? 732। इट मीन्स 4 किलोग्राम एंड 732 ग्राम। ओके, 863 ग्राम। यहाँ पर 863 ग्राम है। तो जब आप इसमें 1000 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या है यहाँ पर? क्वेटेंट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए पॉइंट कहाँ पर लगेगा? यस, 3 डिजिट से पहले, यानी 8 से पहले। तो हम क्या लिखेंगे? 0 kg 863 ग्राम। इसी प्रकार से 98761 को आप डिवाइड कीजिए 1000 से, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 98 इज क्वेटेंट एंड 761 इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो अब आप लोग जल्द से जल्द इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। सभी बच्चों ने, आज मैंने ही पढ़ाया था, लेकिन आप सभी लोगों ने FIB की है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी एंड सी को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।